एनआरसी से गिरे, एनपीआर पर अटक गए क्या? संगीत रागी हमारे साथ आ गए, चेतन सिंह हमारे साथ आ गए, दो नए मेहमान। पिछले हाफ में दोनों से एक भी सवाल नहीं हो पाया। पहले संगीत रागी अपनी बात रखिए, फिर चेतन सिंह फटाफट, उसके बाद अमीर हैदर जैदी, गौरव भाटिया, मनोजीत मंडल और वारिस पठान, बोलिए। देखिए रोहित जी, एनसीआर और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जी, ये दोनों के बारे में कांग्रेस की यही स्टैंडिंग राय थी कि हमारा भी है, हमने इसे दिया है। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि आज दोनों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी आज उतर गई। इसका बहुत सीधा सीधा कारण है कि कांग्रेस पार्टी अब राजनीतिक लड़ाई लड़नी चाहती है। उसे लगता है कि जो 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 सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया है और उसके कारण जो है वो एक एक प्रकार से एक एक जनसंख्या विशेष को वो बरगलाने में सफल रहा है और जहां तहां वो आंदोलन को लेकर के सड़कों पर उतर आया है, उसे लग रहा है कि एक नई रोशनी उसे दिख रही है। मुझे उसे लगता है कि इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि चाहे वो जो भी पॉलिसी इससे संबंधित लेते आए, भारत सरकार पर वो दबाव आने वाले दिनों में बनाए रखेगी। चाहे वो कल जाकर के जो इनका डर है, कल जाकर के ये सेंसस का डेटा आता है तो क्या सेंसस का डेटा जो है वो सिटीजन एंड नॉन सिटीजन को विभेद करने में नहीं लागू किया जा सकता है? वो भी उस डेटा का भी प्रयोग किया जा सकता है। यानी यदि शक के सहारे यदि आप कुछ भी डेटा भारत सरकार आते हैं, ये लोग एक ये लेफ्ट का एक नैरेटिव है कि ये सर्विलेंस स्टेट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। यानी कुछ भी आधार डेटा लाते हैं, बायोमेट्रिक्स लाते हैं या ये किसी भी तरह के, आप तमाम देश के यूनिवर्सिटी में इस प्रकार से ये बरगलाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है कि यह जो है वो भारत सरकार के पब्लिक पॉलिसी को बेहतर करने के लिए नहीं है, ये सर्विलेंस स्टेट के तरफ है, ये टोटलिटेरियन स्टेट की तरफ है। और नतीजा ये देखिएगा कि ये इस मुहिम को इंटेलेक्चुअल जो ताना बाना दिया है वो लेफ्ट ने दिया है, कांग्रेस उसको साथ लेकर के राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है। इसलिए भारत सरकार को भी चाहना पड़ेगा इस लड़ाई के लिए तैयार है। इसको कहीं और ले जा रहे हैं, मसला इंटेलेक्चुअल ताना बाना देके उसको फंसाने का नहीं है, मसला बड़ा बेसिक सा है। उन्होंने एक सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि इस देश की आधी आबादी को ये नहीं पता कि उनके माता पिता का जन्मस्थान क्या था। आप ये क्यों पूछ रहे हैं ये सवाल? इसको आप इंटेलेक्ट से कैसे जोड़ रहे हैं मुझे समझ नहीं आया, पहली चीज। दूसरा, पहले मैं चेतन सिंह से कमेंट लेना चाहता हूं, फिर आप बोल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं बोलूंगा क्योंकि अभी तक वो बोल नहीं पाए हैं और देर में कनेक्ट भी हुए हैं। चेतन सिंह, एक बात समझ में नहीं आई, एक ही काम चेतन सिंह आप यूपीए की सरकार से कराते हैं तो वो बड़ा सेक्युलर कहलाता है, वही काम मोदी अमित शाह की सरकार करती है तो आप कहते हैं हाय हाय ये तो कम्युनल हो गया, चक्कर क्या है? यहाँ नहीं, बिल्कुल, ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है कि चक्कर क्या है। कि देखिए, बड़ी साधारण सी बात है, जो चीज पहले से चली आ रही है उस सरकार ने, इस सरकार ने इसको ऐसे उलझा दिया है। और कुछ पूछे इनके प्रवक्ताओं से या समर्थकों से या आरएसएस से, वो एक बात बोलेंगे जी कांग्रेस ये लेफ्ट ये, लेकिन अपनी खुद की नाकामियां छुपाने के लिए जो अपनी क्षमता जो दिखा नहीं पाए, एक साधारण चीज को हमारी जनता को नहीं समझा पाई। देखिए आज के समय में हमारे देश में पूरे युवा, चाहे वो पक्ष में है चाहे विपक्ष में है, सबके सब सड़कों पे हैं। इससे बड़ी अफसोस की बात क्या होगी? आप लगाइए दिल्ली में 4-5 किलोमीटर चलने के लिए 4-5 घंटे लग रहे हैं आज की डेट में, ट्रैफिकों की क्या स्थिति कर दी। अच्छे आईआईटी आईआईएम और हार्वर्ड तक के युवा अगर इस बात को नहीं समझ पा रहे, या सरकार ये चाह रही है कि भैया ये पहला कदम एनआरसी का पहला चेतन कदम, जी मैं आपसे एनपीआर पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं हमारी सरकार ने बड़े सिंपल तरीके से कर दिया था, लेकिन यहाँ तो इनकी सरकार में जाम लगा हुआ है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप कहना क्या चाहते हैं। अगर आपकी सरकार ने सिंपल तरीके से एनपीआर कर दिया था तो बता दीजिए ना लोगों को कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है ये। देखिए रोहित जी, उलझा आप रहे की सरकार रही है, तीनों चीजें के मिला के ऐसी कॉकटेल बना दी है सरकार ने, कॉकटेल सीएए एनपीआर और ये एनआरसी। देखिए सड़क जाम भी डाल दीजिए ना उसमें, अभी तो सड़क जाम भी डाल रहे थे। एनआरसी पहले हुई थी वो, उसको मैं अवॉइड कर रहा हूँ। तो देखिए जनता का कितना टैक्स पेयर, 3% जो 4% 5% जो टैक्स पेयर है उसके पैसे को इस तरह से सरकार इस तरह से करेगी। आप मुझे बता दीजिए कि प्राथमिकता क्या है सरकार की? प्राथमिकता ये है, ठीक है, भैया लोगों को उलझाना, आपसे सवाल पूछ रहे हैं गौरव भाटिया वाली प्रधान, उसके बाद जल्दी फटाफट से संगीत रागी बोले क्या बोलते हैं, एक सेकंड गौरव जी संगीत रागी बोलिए। मैं क्या प्रतिक्रिया दूं? देश में कोई भी पब्लिक पॉलिसी आप लाना चाहते हैं, इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है
कि आप जनसंख्या देखें, कितनी जनसंख्या है, जनसंख्या की प्रकृति कैसी है, महिला कितने हैं, पुरुष कितने हैं, उम्र की उनकी सीमा क्या है, उनकी लिटरेसी क्या है, एजुकेशनल प्रोफाइल क्या है, उनका ऑक्यूपेशनल प्रोफाइल क्या है, ये सारे डेटा, उनकी नेशनलिटी क्या है, रोहित जी आप मुझे बताइए, आप सभी बड़े इंटेलेक्चुअल बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, अपना विश्वास खो दिया है सरकार के प्रति, रोहित जी आप मुझे बता दीजिए, रुक जाइए, एक साधारण चीज पे मुझे जनता को विश्वास ही नहीं हो पा रहा सरकार पे, एक ही चीज चेतन सिंह जी, आप मुझे रोहित जी आप मुझे बता दीजिए, क्या जनता को विश्वास नहीं हो पा रहा है सरकार को, या सरकार ने अपना विश्वास खो दिया है चेतन जी, कि कोई भी बात आप लगाइए, महाराष्ट्र के चुनाव हो गए, झारखंड के चुनाव हो गए, जनता विश्वास कर रही है कि नहीं कर रही है, आप तो नहीं कर रहे हैं ना, खर्चा होगा, एक बात तो तय है कि आपको अविश्वास है और आप वही अविश्वास फैला भी रहे, बजाय ये बताने की आपने किया था तो सब कुछ ठीक ठाक था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।